एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी एसएससी कैंडिडेट्स की डिमांड आई थी कंप्यूटर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन इंटरनेट सर्विसेज। हेयर इज़ फोर ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, केरला। ठीक है, और वो कौन सा इंटरनेट सर्विस है? सो उन्होंने इसका नाम दिया है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है के फॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कौन सा नेटवर्क है। सो कौन सा नेटवर्क है? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, कैफोन। और ये अभी रिसेंटली हुआ है, सो मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट प्रियोरिटी पर रखा है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर वो लोकेटेड कहाँ है। सो लोकेटेड है वह वॉशिंगटन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर? हियर इज फोर ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इनैक। इनैक जो नाम था फर्स्ट कंप्यूटर का था, एंड इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज? एज वी नो ऑलरेडी द फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बैबेज। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन किया था चार्ल्स बैबेज ने, उसका नाम क्या था? उसका नाम रखा गया था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसी के रिगार्डिंग और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? ऑब्वियसली चार्ल्स बैबेज, ऑलरेडी वी हैव डिस्कवर्ड। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया कौन सा था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में किया था इंस्टॉल पहला कंप्यूटर। द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? फिरेंटिक मार्क वन। फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोले जाता है? विंट कॉफ को। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये बोलूँगा WWW इज स्टैंड्स फॉर, इसकी पूरी फुल फॉर्म पूछी जाती है। सो वर्ल्ड वाइड वेब है, एंड इन्वेंटेड किसने किया था? ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे टिम बर्नर ली, और किया कब था? 1989 में। सो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था? उसका नाम था क्रिपर वायरस। ये वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन कौन सी जनरेशन में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का साइज बड़ा था? ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन थी, जो अब कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज था। अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, जनरेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जनरेशंस। सो चीफ कंप्लेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज कौन सा था, क्या था यूज़ किया? वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया। और टाइम पीरियड फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या था? 1946 से लेके 1959। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड कब था, सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड कब था। सो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 से लेके 1965 तक रहा। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड जो था कंप्यूटर का, वो 1965 से 1971 तक। एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो था 1971 से लेके 1980 तक। एंड अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा फिफ्थ जनरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, वो कौन सी थी ये पूछा जाता है। सो वो थी हमारी मशीन लैंग्वेज, यूज़ किया था हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब चल रहा था तब। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ, वो किसकी हेल्प से बने? ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से। सो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर? हेयर इज़ फोर ऑप्शंस। यहाँ पे कंप्यूटर की बात नहीं की है, अगर कंप्यूटर की बात की होती तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ल्स बैबेज का नाम आता, बट
यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात पूछी गई है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सियोमोर क्रेने। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। उसका नाम था परम पद्मा, वॉज द फर्स्ट इंडियन मशीन रैंक्ड ऑन ए वर्ल्ड वाइड सुपर कंप्यूटर लिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसी में ये पूछा जाता है कि ये यूज़ किसके लिए किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स। सो यूज़ फॉर वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज एक्सेट्रा लाइक क्रेवन एंड परम एक्सेट्रा। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। एंड परम की कभी कभी क्या फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो परम की फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि द नेम ऑफ लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया क्या है। वो है हमारा परम अनंता, जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप जो इंडिया में हुआ था उसका नाम क्या था। उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे मैंने हाईलाइट किए हैं ताकि आप इजीली लर्न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा विच वन इज़ वॉलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। फ्रेंड्स, मेमोरीज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेमोरीज पोर्शन को भी आप अच्छे से कवर करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर किया है। सो वॉलेटाइल मेमोरी जो हमारी वो है ऑप्शन बी रैम। रैम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, एंड इसी में नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम की है वो है हमारी रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इन्वेंटेड इन 1990s में। कौन सा पहला वेब ब्राउज़र इन्वेंट किया था। सो इज़ द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी नेक्सस। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट आर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आज के टाइम पे हम जो हमारी पाँचवीं जनरेशन चल रही है इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट का हम यूज़ कर रहे हैं। सो इज़ द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी ULSI माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि ULSI की फुल फॉर्म। सो ULSI की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल कीज इन कंप्यूटर कीबोर्ड। हेयर इज़ फोर ऑप्शंस। आपने देखा होगा जो हमारी कीबोर्ड होती है वहाँ पे F1 से लेके डैश तक नंबर होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल कीज जो होती है हमारी कीबोर्ड में वो होती हैं 12, F1 से लेके F12 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड कंप्यूटर सिस्टम। हेयर इज़ फोर ऑप्शंस एंड इज़ द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नॉन एज ए। सो इज़ द राइट आंसर इज यूज़र। ठीक है, क्योंकि हम फ्रेंडली एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, वेरिफिकेशन हम करते हैं, लॉगिन कभी देखा होगा आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है अपना नेम पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिजिट्स ऑफ बाइनरी सिस्टम आर कॉल्ड। हेयर इज़ फोर ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज बिट्स। जो हमारी बिट्स होती है ये हमारी डिजिट्स ऑफ बाइनरी सिस्टम कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज। हेयर इज फोर ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिट। इसी के रिगार्डिंग काफ़ी की पॉइंट को कवर किया है मैंने जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, सो वन निबल जो होती है हमारी वो 4 बिट्स के बराबर होती है, 1 बाइट जो होती है वो हमारी 8 बिट्स के बराबर होती है, 1 किलो बाइट जो होती है वो हमारी 1024 बिट्स के बराबर होती है एंड 1024 बिट्स जो होती है 1 किलोबाइट के बराबर होती है। ठीक है, एंड 1 किलो बिट कितने बराबर होती है, 1 मेगाबाइट। सो ये जो इम्पॉर्टेंट है ये सारे आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन फिक्स बनता ही है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप देख लेना, एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
When was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom? ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इज द राइट आंसर इज वर्ल्ड का फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर कौन सा था? एप्सॉन. ठीक है, इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1981 में. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस में कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम यूज करते हैं बैंकिंग में, रेलवेज में, एयरलाइंस में. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है जो फुल फॉर्म्स के रिगार्डिंग है. इसके ऊपर भी आपको एक से या दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में. सो इसको स्किप मत करना, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उन्हीं को मैंने कवर किया है, तो ये तो आप करके ही जाना. कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है हमारी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च. बेसिकली सब बोलते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर, बट कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म होती है जो कि ये है HTML. बड़ा इम्पॉर्टेंट ये एब्रिविएशन है. इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. PDF, PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. STTP, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. PPP, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. HLL, हाई लेवल लैंग्वेज. Fortran बड़ा इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन है, इसका है फॉर्मूला ट्रांसलेशन. नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक जो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ROM, रीड ओनली मेमोरी. KB, किलोबाइट. ईमेल, ईमेल में कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है इसको फुल फॉर्म. Gmail, गूगल मेल कहा जाता है इसको. ये ARPANET, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना. इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. और ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था जिसको यूज़ किया था, ARPANET. ठीक है, मैक काफ़ी बार सुनते रहते हैं हम. सो मैक के फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. URL हम गूगल में डालते रहते हैं. सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ था. OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है. UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. और बस तीन है यहाँ पे, WWW जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब. LCD की फुल फॉर्म पूछी जाती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस. MMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस. सो फ्रेंड्स, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसकी PDF चाहिए आपको तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पर भी शेयर कर दूँगा. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.